हमारे पंजाब में बिल्कुल सूचित हो गया कि 2024 में भी पूरा मीडिया द्वारा प्रचार किया जाता है भी ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है। दानीवाला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल दानीवाला टीवी पर। दोस्तों आज भारत जोड़ो यात्रा का 121वां दिन है और पंजाब के सरहिंद से यात्रा मंडी गोविंदगढ़ की तरफ निकल पड़ी है। तो हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ के पंजाब के लोकल जो दोस्त हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये भारत जोड़ो यात्रा नफ़रत को ख़त्म करने के, जो एक बार तो बार बार कही जाती है कि इस यात्रा से नफ़रत को ख़त्म किया जा रहा है, तो इनसे जानेंगे कि क्या इससे नफ़रत की ख़त्म की जा सकती है या कितनी नफ़रत इससे ख़त्म हुई है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। स्वागत, धन्यवाद जी। कितनी नफरत इस यात्रा ने ख़त्म कर दिया आपके हिसाब से? इस यात्रा ने, भारत जोड़ो यात्रा ने बिल्कुल नफरत हमारे पंजाब में ख़त्म कर दी जी। सब धर्मों के लोग इस यात्रा में कदम से कदम मिला के तुर रहे हैं। लोग पूरे प्रेम प्यार से, आपने देख ही लिया। क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव के ऊपर भी कोई असर नज़र आता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत पाएगा इससे, अपना आएगा जी। आने वाले समय में देख लेना, कांग्रेस की सरकार आएगी पंजाब में, बहुत असर पड़ रहा है इसका। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो उसको लेकर इस यात्रा का क्या इफेक्ट रहेगा? बिल्कुल कांग्रेस आएगी, जो यहाँ देख रहे हैं इसमें भारत जोड़ो यात्रा में बहुत लोगों में उत्साह है। और कुछ आप? बड़ी बात ये है ना, जहाँ पर जो नफरत चल रही है, जो मीडिया द्वारा प्रचार किया जाता है भी ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है, वो ख़त्म हो जाएगी इस यात्रा से। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका ये कहना है। आप कुछ और कुछ कहना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा जो नफरत फैली हुई थी वो उसको ख़त्म कर दिया राहुल गांधी जी ने, और हमारे पंजाब में बिल्कुल सूचित हो गया कि 2024 में भी पूरा, आपको प्रभाव वो तो नेड़े ही है, और पूरा सरकार बनेगी, एमपी सीटों पंजाब में से जीतेगी। पहले भी आपने देखा था, पहले भी 8 सीटों यहाँ से जीती हुई है कांग्रेस सरकार, तो इसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से जिले से सर आप? पटियाले जिले से। हाँ, पटियाला जिले, सनौर, हल्का सनौर, पटियाला जिले से ये भाई इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और कहीं ना कहीं यहाँ किसी शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। यही है कि राहुल गांधी ने जो आज से 121 दिन पहले यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी, वो एक जन सैलाब के अंदर जो है वो तब्दील हो चुकी है, और भारी संख्या में जो है उसके अंदर जो है लोग जो है आए दिन जो है जुड़ते जा रहे हैं। और ये यात्रा जो है यहीं से तकरीबन 8 से 10 दिन ये यात्रा पंजाब में चलेगी, उसके बाद जो है कश्मीर इंटर कर जाएगी। ये देखें आप, ये देख सकते हैं यहाँ की लाइव तस्वीरें। यहाँ पर जो है टी ब्रेक हो रहा है, और यहाँ जो है राहुल गांधी जी जो रुके हुए हैं, तकरीबन 11 से 13 किलोमीटर चले हैं वो सरहिंद से चल के, और यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ की हर नई अपडेट जो है आप लोगों को हमने दिखाई है। ये देख सकते हैं आप, इधर भीड़ आप देख सकते हैं, पूरा जाम की स्थिति जो है हाईवे पे बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंडी गोविंदगढ़ में टी ब्रेक हुआ था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, तो अब ये यात्रा फिर से दोबारा यहाँ से शुरू होगी, और लगभग 13 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इस यात्रा को तय करना है पैदल, और लगभग 12 किलोमीटर का ये रास्ता तय करके यहाँ यात्रा अब ठहरी हुई है, और टी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके थे, लेकिन अब फिर से दोबारा तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और दोबारा से यात्रा यहाँ से रिस्टार्ट की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर, और कितना प्रोटोकॉल यहाँ पर बनाया हुआ है पंजाब पुलिस की तरफ से, और जो CRPF है उसके द्वारा, और उसके साथ साथ जो स्पेशल कमांडोज उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है उनके द्वारा। तो सर कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा गुरमुख सिंह, चेयरपर्सन दलित विकास बोर्ड पंजाब, जो कांग्रेस की देन है।
आई एम रियली काटमैन, मैं के रेड़े वाला हूँ और 75 साल की मेरी उम्र है। और इस इंसान की इन्नी हिम्मत देख के और जी करता कि मैं 100 साल जीना, 25 साल भी इनू दे दवा अपनी अपनी जिंदगी जी 25 साल इनू इंसान देनी चाहता है, क्योंकि ऐसा इंसान कभी अज तक पहले इतिहास पैदा नहीं होया जिन्ना होगा ही। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल तेरी सोच दे, राहुल तेरी सोच दे, राहुल तेरी सोच दे। तो आप देख सकते हैं कितना जुनून है, 75 वर्ष की उम्र अपनी बता रहे हैं लेकिन पूरे जोश के साथ नारे यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी जो 25 साल की बाकी ज़िंदगी है वो राहुल गांधी के नाम पर कुर्बानियाँ करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जोश और जुनून पंजाब के लोगों में राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर है। और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जी यहाँ से निकलेंगे, अपनी इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। लगभग 12 या 13 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आगे तय करना है। तो आप लगातार देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत माहौल यहाँ पंजाब वासियों ने इस वक्त बनाया हुआ है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि 25-25 पंजाब विरोधी तिर गई घबरा। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा जी। देखो आप कितने कितने लोग आज 5-5 किलो, बहुत वो रिस्पॉन्स नहीं है और लोग उनसे तंग है, अभी सबको पता है वो तंग है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उससे लोग बिल्कुल तंग है जी, बिल्कुल। ये तंग का ही नतीजा है, देखो चल रहे हैं, आप जुड़ेंगे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। मोदी सरकार भी ऐसे आपको पता है कैसे है, नहीं एक उनके करप्शन महंगाई के मुद्दे उठा लो, मोदी सरकार में कितने गंभीर मुद्दे, आम जनता को कितना कुछ नहीं मिल रहा जो उन्हें चाहिए था, जनता अपने नुमाइंदे चुनती है। तो वो बात नहीं है कि अब ये राहुल गांधी 2024 में देखो बढ़िया रिस्पॉन्स लेके कांग्रेस बैकअप कर रही है, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं वो उनके साथ हैं, तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। आप देख रहे हो कितनी कितनी दूर तक लाइने हैं, लोगों का कट ठाठा मार रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिस प्रकार से सर ने भी बताया। और इन्होंने एक दावा भी किया कि इस जो यात्रा है इससे अच्छा रिस्पांस आने वाले चुनावों में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहां पर इस वक्त मौजूद है और लोग भारी संख्या में राहुल गांधी की दीवानगी में यहां पर खड़े हुए हैं। उनके जो यात्रा है यहां से दोबारा रीस्टार्ट की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है, तो भारी तादाद में लोग यहाँ पर उनको देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन इस ये जो रस्सी आपको नज़र आ रही होगी, इस रस्सी के अंदर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके अलावा कोई भी नहीं जा सकता। तो अब थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जी यहाँ से इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहें, कांग्रेस के नेता और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी अगर आपको कहीं नज़र आए, क्योंकि वो हमारे सामने हैं, वो देख सकते हैं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी भी इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस के जो नेता है अब चल दिए हैं इस यात्रा को लेकर और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जी भी यहां से निकलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं रेड कलर की टर्बन में आप देख सकते हैं निकल पड़े हैं दोबारा से इस यात्रा को लेकर। तो दोस्तों ये मीडिया की गाड़ी है आगे आगे और ये पीछे राहुल गांधी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं ये राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा है जिसमें राहुल गांधी चल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी सफाई कर्मचारियों से मिल रहे हैं।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सफाई कर्मचारी जो है राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही गर्मा गर्म माहौल हो चुका है क्योंकि जो सफाई कर्मचारी थे वो ज़बरदस्ती इस यात्रा के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर घुस चुके हैं। राहुल गांधी उनके कंधों पर हाथ रखकर साथ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो ये यात्रा का दृश्य है, आपने देखा किस प्रकार से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। भारी सिक्योरिटी के साथ ही यात्रा आगे बढ़ रही है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं ट्रैक्टरों का जो एक काफिला है वो चल रहा है और एक पंजाबी तरीके से स्वागत यहां पर किया गया है। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत पे आगे 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 नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पंजाब में उन्होंने अपना चरण डाले हैं। गुरुओं पीरों की ये धरती है, हमारे फतेहगढ़ साहब के जो शहीद हमारे गुरु साहब के बच्चे हुए थे उनसे शुरू किया है। भगवान इनको सफलता प्रदान करे। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं जोश ये जुनून किस प्रकार से अग्नि समन जो गाड़ी होती है उसमें ये यात्री सवार है उसके ऊपर लटके हुए हैं, लेकिन जोश और खरोश में कोई कमी नहीं है। जिताओ मोदी नु, जिताओ कांग्रेस नु, वोट पाओ मोदी नु, भजाओ कांग्रेस नु, वोट पाओ मोदी नु, भजाओ कांग्रेस नु, वोट पाओ मोदी नु, मोदी नु भजाओ, कहां से लियाओ कांग्रेस, लियाओ साडी कांग्रेस, लियाओ।